सब क्या चल रहा है? मैम स्कूल खुल गए फिर से। यस स्कूल खुल गए? मैम। यस मैम। तो खत्म हो गया स्कूल फ्रॉम होम वाला सिस्टम? यस मैम। ओ वेरी हाइब्रिड गुड। सिस्टम। यस वही हाइब्रिड सिस्टम। चलो पढ़ के आए हो? टेस्ट कैसा हुआ सबका? अभी मैंने देखा नहीं, टेस्ट हुआ कैसा है सबका? मैम कुछ क्वेश्चंस थे जिनमें डाउट थे मैम, कौन कौन से क्वेश्चंस थे? वो बच्चों ने डाउट सॉल्विंग ग्रुप पर भेज दिए थे तो वहां से आंसर पता लग गए। हाँ मुझे भी कई किसी गौरव ने आई थिंक भेजे थे, और भी आई थिंक एक दो लोग और थे अलोक में भी, आई डोंट नो सर नेम। मैंने भेजा हाँ धनंजय ने भेजा था, मतलब भेजे थे मुझे। और जब भी भेजते हो ना तो उसमें डाउट ग्रुप में ही भेजा करो ताकि सबके पास चले जाए, क्योंकि आई थिंक पर्सनली भी मुझे एक दो ने पूछा था, फिर ग्रुप में भी सेम क्वेश्चंस पूछे हुए थे, है ना। और कैसा रहा तुम्हारा सैटरडे? तो ऑफ होगा, कोई क्लास नहीं होगी, यस और नो? मैम। नहीं हम सैटरडे को क्यों ऑफ है? सैटरडे एक ही क्लास होगी ना आप लोगों की? मैथ्स की तो थी नहीं? यस मैम। हाँ यस मैम। फिर तो आपको मिल गया होगा टाइम करने का रिवीजन। हो करी है कि नहीं करी थी? ऐसे ही बैठ के थे टेस्ट देने। क्या इजी था भाई? वेरी वेरी इजी। क्या केमिस्ट्री इजी थी? मैम सबकी यस मतलब मैम। इजी थी मैम। वैसे केमिस्ट्री इजी थी विकास इज सेइंग सबके मैम लिए। मेरे टेस्ट में फाइनल रिजल्ट में गायब सब 0 क्वेश्चन अटेम्प्ट आ गया था। ऐसा क्यों? टेक्निकल इशू शायद। अच्छा तो ये एडमिट करने में ही टाइम। अच्छा अब लास्ट क्लास में भी कुछ ऐसा हुआ था क्या? हाँ मैम। मैम यस मैम हुआ सैटरडे तो को था। था कल ही हुआ था केमिस्ट्री की क्लास में। करना केमिस्ट्री क्लास। अच्छा मैम सर तो बड़ा ख्याल रखते हैं। अच्छा चलो लास्ट वाला। अब हमारा ट्रिगो तो हो चुका है ना। जिस जिसको जो जो टेस्ट में डाउट्स थे उसके अलावा जो क्वेश्चंस मैं कुछ मैंने भेजे थे, कुछ बच्चों ने भी डाले होंगे डाउट ग्रुप में, उसके अलावा अगर आपको टेस्ट के किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप भेज सकते हो ग्रुप में, ठीक है। क्योंकि अब इसके बाद आपका एक मेजर टेस्ट होगा जिसके अंदर यू विल हैव फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स, सेट्स रिलेशंस एंड फंक्शंस एंड ट्रिग्नोमेट्री। इज दैट क्लियर? सबको आवाज आ रही है ना मेरी? यस मैम। मैम है कब वैसे मेजर टेस्ट? हाँ जी। नेक्स्ट वीक 1 तारीख को, 1 दिसंबर। मैम कोई मैम तो एक कोई कह तो रहा है 8 कह आठ रहा है। को है शायद। मैम 8 को है मैम शायद। 8 को है। अच्छा 8 तारीख को है, मतलब जब भी है या तो 1st को होगा या 8th को होगा, दोनों में से कोई डेट फाइनल होगी। तो उस दिन पे आपको ये तीनों चैप्टर्स, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दीज चैप्टर्स इन द टेस्ट, ठीक है। तो इसलिए कह रही हूँ लास्ट टेस्ट में जो हुआ या जो क्वेश्चंस आपने नहीं किए या मॉड्यूल सोल्व नहीं किया या डीपीपीज वगैरह जो क्वेश्चंस भी आपके रहते हैं, कोशिश करो कि वो हो जाए। अब जो चैट बॉक्स में रिप्लाई कर रहे हैं, जो मैसेजेस कर रहे हैं, वो यहाँ ध्यान दो, ठीक है। कुछ बोलना है तो माइक ऑन करके बोलो, अदरवाइज मैं फिर चैट बॉक्स बंद कर दूंगी, फिर तुम ही बोलोगे कि भाई बोरिंग सा लगता है एटसेट्रा एटसेट्रा। इज दैट क्लियर? गौरव, बीरबख्श, श्याम, दिव्या और जो भी चैट्स कर रहे हैं, क्लियर है सबको? काजल आर यू न्यू इन द क्लास और आप पहले भी क्लास में क्लास ले चुके हो? यू कैन टर्न ऑन योर माइक एंड स्पीक या फिर चैट बॉक्स में लिखो, अदरवाइज फिर मेरे को रिमूव करना होगा।
चलो आज का हम टॉपिक शुरू करें। सब जाग रहे यस हो? मैम, यस इससे मैम। पहले कौन सी क्लास थी आपकी? फिजिक्स मैम, फिजिक्स फिजिक्स। की। चलो फिर अब हम स्टार्ट करते हैं। आज आपको सबको स्क्रीन दिख रही है क्या लिखा हुआ है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा मैम दिख रही है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आज। नो मैम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये बैक बेंचर्स का होने का वो है, देख लो। फोल्ड फर्स्ट बेंचर बन जाओ। अब ट्रिग्नोमेट्री नहीं दिखेगी, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखेगा। चलो आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है? अभी तक आपका ट्रिग्नो डन हो चुका है। आपको जो भी दिक्कत है लास्ट 3 चैप्टर्स में, यू कैन सेंड द क्वेश्चंस, यू कैन सेंड योर डाउट। सबको क्लियर? यस मैम। मैम मैंने आपको एक क्वेश्चन सेंड किया था, आपने कहा था करवाऊंगी मैं क्लास में। कौन सा क्वेश्चन था अंशिका? मैम मैम दुआ सेंड कर दू? हाँ मुझे भेज देना, मे भी मैंने देखा नहीं है, मेरे को ध्यान नहीं है। एक बार ये अंशिका कौन सा क्वेश्चन था? बाय द एंड ऑफ द क्लास आप मुझे एक बार अंशिका दोबारा भेज देना या रिमाइंड करा देना, ठीक है? या तो मैं आपको सोल्व करके या ग्रुप में डाल देना, ठीक है? आपका टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पहले ही हम 15 मिनट अब हो चुके हैं ज्यादा। ओके सत्यम, ऐड कर लेंगे आपको। आप लोकेश सर को बोल देना, वो आपको ऐड कर देंगे ग्रुप में, ठीक है? नहीं तो मैं कर दूंगी। मुझे मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, सो दैट मतलब मुझे याद रहे। चलो आप आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपने 10th क्लास में पढ़ा है सबने? यस और नो? यस मैम, यस मैम, 10th करके या 11th में मान ले? यस नो, यस मैम, नो मैम, क्यों कॉन्ट्राडिक्शन है क्या यहाँ पे भी? यस मैम। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अब 11th में दोबारा पढ़ लो फिर क्वाड्रेटिक। अब जहां जहां जिस जिसके लिए कॉन्ट्राडिक्शन है, ठीक है? लेट अस अज्यूम कि सब 10th करके आया है, ठीक है? सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, ठीक है? कि दिखती कैसे है, कैसे होती है, कैसे कैसे क्वेश्चन इंट्रोडक्शन पे ही आ जाते हैं जेई में। क्लियर है सबको? बोलते रहा करो साथ यस साथ, फिर मैम, यस मैम, मुझे यस लगता मैम, है सो गए हो। यस मैम। ठीक है चलो, तो अभी तक हम क्या कर चुके हैं? लास्ट क्लास में और लास्ट दिनों में हमने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, डोमेन, रेंज एंड ग्राफ सबको याद है, और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, है ना? मैम, यस ये डोमेन रेंज और ग्राफ वाली जो वो रिकॉर्डिंग है वो डल चुकी है। हाँ जी, वो डल गई है। कुछ लोग मुझे बोल रहे थे कि उसमें ना दिक्कत आ रही है। सबको ही दिक्कत आ रही है क्या उसमें? क्योंकि मैंने अपने मैम वो ट्रिग्नो में, ट्रिग्नो में मैम ओपन नहीं हो रहा था। अच्छा मैं एक बार चेक करूंगी, क्योंकि अभी 2 दिन मैं बाहर थी, तो मैं एक बार चेक करती हूँ वहां पे कुछ हो सकता है। अदरवाइज रिकॉर्डिंग इज देयर, ठीक है? ठीक है मैम। ओके तो आज हम पढ़ेंगे, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस, क्या डिस्कस करेंगे हम? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, सबसे पहले उसका कि कैसे होती है, क्या क्या कंडीशंस होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, ठीक है? फिर हम पढ़ेंगे मेथड टू सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें भी हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हम रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं, और एक टॉपिक ये कि इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इज दैट क्लियर? यस मैम, यस मैम। ठीक है, तो इस चैप्टर से भी आपका कितना क्वेश्चन आता है? अगर वेटेज की बात करें, एक ही क्वेश्चन आता है भाई,
ठीक है, 4 नंबर का होता है, 3.3 मार्क्स का होता है, और ये ना आपको जनरली मिलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज में। इनइक्वालिटीज हम पढ़ चुके हैं ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस मैम, पढ़ी थी सबने। ठीक है, यस मैम, चलो। नो मैम किसने बोला? जिसने नहीं पढ़ा है ना, वो इनइक्वालिटी का लेक्चर देखना, ठीक है। चलो, तो जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? क्या होता वो है भाई? एक वो एक स्क्वायर वाला एक स्क्वायर प्लस ए एक्स एक्स स्क्वायर सी प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो जीरो और इसमें कंडीशंस क्या क्या होती हैं? ए बी सी इक्वल टू जीरो ए इज नॉट इक्वल रियल, टू जीरो ये सारे क्या होते हैं? हमारे रियल नंबर्स होते हैं, और ए पे क्या कंडीशन होती है? नॉट ए इक्वल टू जीरो। ठीक है, क्यों नॉट इक्वल टू जीरो? बिकॉज मैम अगर ये जीरो हो जाएगा तो मैम फिर से मैम वो क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक नहीं इक्वेशन नहीं रहेगी। रहेगा मैम वो लीनियर बन यस, जाएगा अगर यस, फिर वो क्या बन जाएगी? यहां लिख दूं लीनियर हैश मैम मार्क, लीनियर बन जाएगी। इफ ए इज इक्वल टू जीरो तो हमारे पास क्या हो जाएगा? वी हैव पी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, दैट इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन और लाइन, है ना? बता दो। यस मैम, यस ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एग्जांपल्स अगर मैं दूं, ऑब्वियस है ये वाला चैप्टर आपने 10th में पढ़ा है, तो थ्रू आउट द चैप्टर्स ना मेरी स्पीड थोड़ी ज्यादा ही रहेगी, क्योंकि ऑब्वियस है तुम रूट्स वगैरह ये सब निकाल के आए हो इन 10th क्लास। यस और नो? यस मैम यस मैम, ठीक है। अब जिसके लिए कॉन्ट्राडिक्शन है उसके लिए तो भाई क्या ही करें, रूट्स निकालना तो आपको अब आ गया, ठीक है। और कोई बात नहीं, नहीं भी आया ना तो हम अब ये जो मेथड करेंगे धीरे धीरे आप सीख जाओगे इस थ्रू आउट दिस चैप्टर, दिस वाला, ये वाला लेक्चर, दिस लेक्चर। ओके चलो, तो अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो किस टाइप से होता है? लाइक दिस, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देखी हुई है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सबने, है यस मैम यस मैम, ना? इसमें हमारा ए क्या है? ए क्या है बताओ, अगर हम जनरल स्टैटिक वन इक्वेशन से। वन मैम यस वन यस, ए की वैल्यू क्या है हमारी? 1। वन ठीक है, अगर मैं लिख दूं यहाँ पे -5x² प्लस 6x प्लस कुछ भी समथिंग 7 इज इक्वल टू 0, तो व्हाट विल बी द ए हेयर? -5 है ना? ठीक है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे 1 पॉजिटिव आया, यहाँ पे क्या आया? नेगेटिव। दोनों ही क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एग्जांपल्स। इज दैट क्लियर? यस मैम, यस बोलते जाओ भाई। अब अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ये वाली, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सबको दिख रहा है ना क्लियरली? यस मैम, यस जहां मैम पे, अच्छा, जहां पे ये हमारे एबीसी रियल नंबर हैं एंड ए नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। इसमें एक चीज हमेशा याद रखना, दिस इक्वेशन कैन हैव टू रूट्स ऑलवेज, ठीक है। अब डजंट मैटर कि वो रियल हैं इमेजिनरी हैं, कौन कौन से हो सकते हैं? रियल भी हो सकते हैं, इमेजिनरी भी हो सकते हैं, है ना? जब डिस्क्रिमिनेंट हमारा ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि डी डी लेस देन 0 होगा, तो इमेजिनरी। यस और नो यस बोलो? मैम, यस और मैम रियल एंड रिपीटेड भी गुड हो सकते हैं, इसमें हम डिस्टिंक्ट ले रहे हैं केस। जब डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या होगा? 0, है ना? तो एक चीज यही नोट करने वाली है, ये वाला तो हम बाद में पढ़ेंगे जब हम नेचर ऑफ रूट्स पे आएंगे, ये वाला कॉन्सेप्ट हम तब करेंगे। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास कितने रूट्स होते हैं हमेशा? 2 रूट्स, दो ठीक है? क्लियर है सबको? यस मैम, यस मैम, अब इसमें मेरा काम होगा कम इस चैप्टर में, तुम्हारा काम होगा ज्यादा, क्योंकि तुम्हें सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस। ओके, अब
क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम रूट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, हमारे पास कौन कौन से मेथड्स होते हैं? स्प्लिट मेथड होते हैं मैम, स्प्लिट कर देते हैं। यस द फर्स्ट वन इज, एक तो हमने फैक्टराइजेशन स्टडी किया है विच वी हैव स्टडीड इन आवर छोटी क्लासेस, है ना? यस और नो, पढ़ा है सबने? यस मैम पढ़ रखा है। दूसरा हमने पढ़ा है वो क्वाड्रेटिक वाला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाला, मिडल टर्म स्प्लिटिंग, अब वो फैक्टराइजेशन ही हो गया ना। थर्ड वन इज कौन सा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। हमें थर्ड वाला नहीं आता, एक बार इसे समझा दोगे? हाँ हाँ इसको भी करेंगे, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आ ही गया तो करेंगे इसको भी सॉल्व। मैम जरूरी है थर्ड वाला सीखना? जरूरी नहीं है, लेकिन कई बार ऊपर वाले दोनों आते हैं ना, तो कई बार क्या होता है ना। अच्छा ये बताओ, इससे पहले हिमांशु और सिद्धि करके कोई क्लास में था? सिद्धि तो थी है ना? यस मैम सिद्धि थी। हिमांशु सिंह, मैम हिमांशु भी है। हिमांशु सिंह करके था कोई क्लास में? यस मैम था। ओके मैं देखती हूँ। चलो ये तीन मेथड हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पढ़े हैं, है ना? आज हम पढ़ेंगे जो आज का टॉपिक मेनली है, दैट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, दैट इज रूट्स बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, इफ वी हैव द इक्वेशन वही वाली ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मेरे को बार बार लिखनी पड़ रही है, दैट इज ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालते हैं बताओ? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, इसको हम क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। कुछ कुछ याद आ रहा है, पढ़ा था छोटी क्लासेस में? यस मैम। यस मैम। तो अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता कैसे है मैम? माइनस बी प्लस माइनस माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू है। यस हिमांशु आप पहले ये क्लास ले चुके हो, यस और नो? यस मैम। ठीक है चलो, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है हमारा? माइनस बी मैंने हिमांशु से पूछा ना, रुक जाओ सारे। चलो हिमांशु आप बताओ व्हाट इज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बोलो कौन बताएगा? चलो दैट इज माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन टू ए, है ना? यस मैम। सबको क्लियर है? यस मैम। यस मैम। पीरबख्श आदित्य, मैं चैट बॉक्स बंद कर दूं? इट विल बी ओके टू यू? अब इस चैट बॉक्स में इरेलेवेंट बात नहीं होनी चाहिए। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? अदरवाइज आई विल म्यूट ऑल द चैट, फिर आप कुछ भी मैसेज नहीं कर पाओगे मुझे। चलो अगर आप सबको ये वाला फॉर्मूला क्लियर है तो जल्दी से मेरे को इसके रूट्स बताओ इन द चैट बॉक्स। अब आपको चैट बॉक्स यूज करना है, कर रहे हो सब? यस मैम। यस मैम। करो
चलो सबसे पहले मुझे ये बताओ डिस्क्रिमिनेंट क्या है आपको आप लोगों का यहाँ पे जीरो ए इज फोर बी इज फोर थ्री एंड व्हाट इज सी दैट इज थ्री है ना तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा जीरो जीरो कैसे आया दैट इज फोर रूट थ्री का स्क्वायर फोर मल्टीप्लाई बाय थ्री सो अल्टीमेट वी विल हैव दिस सबका यही आया ना आंसर यस मैम ठीक है तो हमने अब वही रूट्स कैसे निकालेंगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन टू ए सो दैट इज फोर रूट माइनस फोर रूट थ्री यहाँ तो जीरो था अपॉन दिस तो हमारे कैसे रूट्स आए रिपीटेड ना यस और नो यस मैम सबको क्लियर है यस मैम तो हेंस प्रूव्ड कि आप टेंथ तो कर रहे हो चलो आर वो क्या लिखते हैं हम उसमें लिखते थे ना टेंथ क्लास में रूट थ्री इज रैशनल आर सपोजिशन इज रॉन्ग बट हियर तो हमारी सपोजिशन इज राइट आप बोलने क्या वाले थे क्या बोलने क्या वाले थे बोलने यही बोलने वाली थी मैं चलो तो अगर ये क्लियर है तो मुझे जल्दी से इसका आंसर दे दो बस इसी पे बेस देखो जेई में क्वेश्चन आ गया गौरव इज सेइंग मैम इतना भी शक मत करो नहीं मैं तो प्रूव कर रही हूँ ना मैथ्स में तो प्रूव से चलता है कि वो ट्रायंगल है वो भी प्रूव करो है ना आई एम नॉट डाउटिंग आई एम प्रूविंग ये वैसे आपका एमसीक्यू है मैंने ऑप्शन हटा दिए अच्छा पीरबख्श आपको मोडलस में दिक्कत थी है ना कौन किस पे केस बनाएंगे अब एक्स के कितने केस बनेंगे बताओ मैम दो बनेंगे चलो कुछ कुछ सीख गए हो कोई बोल रहा है चार सॉल्यूशन कोई बोल रहा है दो सॉल्यूशन सब करो ट्राई एक्स की वैल्यू आ रही है प्लस माइनस फोर चार तो हो ही नहीं सकते क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दो ही होंगे मैम उसके मैम फिर रूट्स टू बन जाएंगे कोई बात नहीं औरों को करने दो अभी देखते हैं सबने ट्राई करना है अब ये वाले ना नंबर इसमें नहीं कटवाने तुमने नंबर समझ आ गई सबको क्वाड्रेटिक तो भाई अब तुम काफी टाइम से देख रहे हो कब से शुरू हो जाता है 9th 10th मैंने ऐसे बोला था कि जो चार सॉल्यूशन भेज रहे हैं वो एक बार देखना कौन सी इक्वेशन है फर्स्ट ही स्लाइड में मैंने नोट में लिखवाया है स्पेशल हाईलाइट करके क्वाड्रेटिक
यस मैम चीटिंग तो अच्छे से किया करो मैम दो सॉल्यूशन होंगे पहले माइनस फोर एंड फोर है यस मैम माइनस फोर एंड फोर अच्छा तो माइनस थ्री एंड प्लस थ्री नहीं होगा माइनस थ्री एंड प्लस थ्री देखते हैं चलो करते हैं स्टार्ट करते हैं सब देखो यहाँ पे हमारे पास केस वन क्या होगा हमारे पास हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज दिस केस वन लिया एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो सबने यही लिया होगा x is greater than equal to zero सबने यही केस लिया था पहला yes, बता दो तो ये वाली इक्वेशन एज इट इज यस और नो यस रूट्स क्या आए हमारे पास दैट इज 4x plus 3x minus 12 है ना यस मैम तो x into x minus 4 plus 3 into x minus 4 इज दैट क्लियर यस मैम सबकी यहां तक इक्वेशन बन गई थी चार सॉल्यूशन yes, यहाँ से एक्स की दो वैल्यू आई या तो माइनस थ्री या फिर एक्स इज इक्वल टू फोर है ना यस मैम केस क्या ले रहे हैं एक्स क्या होना चाहिए मैम एक्स जो ग्रेटर देन होना चाहिए जीरो ये वाला केस क्या होगा डिस्कार्डेड यस मैम सो अल्टीमेट एक्स इज इक्वल टू फोर यस और नो Yes, ma'am. जागो भाई जागो वो बोलते हैं ना जागो ग्राहक जागो तुम भी जागो भाई चलो केस टू इज एक्स लेस देन जीरो सबने यही लिया था ना yes, ma'am. यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी अब मोड ऑफ एक्स क्या हो जाएगा ये सबको याद है कुछ कुछ याद आया माइनस ऑफ माइनस एक्स माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो सो इन दिस केस वी विल हैव द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस सो हेयर वी हैव लाइक दिस यस और नो यस मैम मैं सीधा लिख दूं दैट इज एक्स प्लस फोर और एक्स माइनस थ्री यस मैम So, x की वैल्यू इज माइनस फोर और x इज इक्वल टू थ्री दो केस आए अब हम आते हैं इस पे x शुड बी लेस देन जीरो तो ये वाला केस क्या होगा डिस्कार्डेड ना यस सो अल्टीमेट x इज इक्वल टू माइनस माइनस फोर तो क्या वैल्यू आ गई एक तो फोर और एक माइनस फोर सॉल्यूशन टू टू सॉल्यूशंस इज दैट क्लियर यस मैम सबको क्लियर है जिसको क्लियर है जल्दी से थम्स अप करो जिसको डाउट है पूछो आलोक कुमार थ्री और माइनस थ्री आप पूछ रहे थे अब क्लियर यस मैम चलो देख लो दस टेंथ क्लास के क्वेश्चन आ रहे हैं आपके जेई में टेंथ बेस्ड हम लेकिन टेंथ में क्या कह रहे हो टेंथ में मॉड्यूलस नहीं था टेंथ में मॉड्यूलस नहीं था चलो कोई बात नहीं इलेवेंथ बेस्ड जनवरी और अप्रैल में होता है ना हाँ जी मैम जेई का एग्जाम जो होता है वो जनवरी एंड अप्रैल में होता है ना हाँ लेकिन हाँ ऑनलाइन वाला जुलाई में हो जाता है मैम 13 लाख हो गए क्या कह रहे हो 13 लाख एप्लीकेंट्स हो गए जेई के लिए तू यही देखता रहता भाई बहुत तो देखना चाहिए ना कंपटीशन तो देखोगे मैम 13 लाख नहीं है ज्यादा है मैम उससे अभी तो 13 लाख ही है हाँ चलो अब मुझे जल्दी से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ फिर सेम है ना हाँ मैम नहीं है हाँ मैम नहीं है
जल्दी से कर रहे हो ट्राई? यस मैम। करो करो। Gaurav is saying 2 and Divya is saying 4. Cases kitne bane Gaurav aur Divya? Ma'am, jaise aapne pichle question mein karaya tha, maine waise hi kara hai. Baaki 2 case leke kara hai maine. 2 kyun liye? Ma'am, 3 bane hai case to. मैम से मुझे ना भी मोड वाले क्लियर नहीं है, तो मैं थोड़ा सा मोड वाले में डाउट है, तो मैं सही आंसर ये नहीं बता मुझे मेरा। चलो देखो, अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है, इसमें भी हमें नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं, है ना। तो अब यहाँ पे मोड ऑफ एक्स है, यहाँ पे मोड ऑफ एक्स प्लस 2 है, हमारे पास कौन कौन से, जल्दी से नंबर लाइन पे प्लॉट करो। सबसे पहला मैंने यही बताया हुआ ना, जब भी मोड का फंक्शन आता है कॉन्सेप्ट, तो कंफ्यूज नहीं होना, नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है ना। एक केस बनेगा ये वाला, एक केस बनेगा ये वाला, एक केस बनेगा ये वाला। दिस इज फर्स्ट केस, दिस इज सेकंड केस, दिस इज थर्ड केस। याद आया कुछ कुछ? हाँ जी, दोबारा बताओगे नंबर लाइन वाला? नंबर लाइन वाला जब मैंने तुम्हें मेजर टेस्ट का भी डिस्कशन किया था, तब भी यही बोला था, जहां जहां मोड होता है उन पॉइंट्स को नंबर लाइन पे ड्रॉ करो, रीजंस बनाओ कि कहां पे पॉजिटिव होगा, कहां पे नेगेटिव होगा। करा रखा है ना, यहां पे किस पे है, एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 और 0, 2 है ना बोर्ड में, यस और नो? तो केसेस किस पे बनेंगे, एक बार बनेगा जीरो से राइट वाला, ये थर्ड वाला रीजन, एक बार सेकंड वाला, एक बार फर्स्ट वाला, ठीक है। तो इस पे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो। चलो इतना हिंट दे दिया मैंने।
इसी से ही तुम्हारी मोड की भी प्रैक्टिस हो जाएगी और क्वाड्रेटिक की भी, है ना? यस मैम। चलो हम ही करते हैं स्टेप बाय स्टेप। केस नंबर वन, एक्स इज लेस देन माइनस टू, यानी कि फर्स्ट रीजन अपना ये वाला। इस केस में अब क्या होगा, मोड ऑफ एक्स हमारा पॉजिटिव या नेगेटिव, बताओ जल्दी से बताओ। इफ दिस इज आर इक्वेशन नंबर वन, नेगेटिव, तो मोड ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एक्स। फाइव टाइम्स ऑफ माइनस ना, yes, यहाँ तक सबको क्लियर? यस मैम। यस मैम। सो अल्टीमेट वी विल हैव माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस फाइव टाइम्स ऑफ एक्स प्लस टू प्लस सिक्स। यहाँ तक सबका आ गया? यस मैम। यस मैम। दिस इज 16, 5 टू जर 10 प्लस 6, है ना? यस मैम। रूट्स बताओ मुझे इसके फटाफट से, तुम ही बताओगे, मैं नहीं सोल्व करूंगी अब इसको। बोलो रूट्स। मैम बढ़िया होती है। मैम यार 5 प्लस अंडर रूट 89 बाय 2, 5 और 5 माइनस अंडर रूट 18 बाय 2। देखो माइनस ऑफ, अब ये बी है ना हमारा, तो माइनस फाइव प्लस माइनस 25, फोर मल्टीप्लाई बाय माइनस 16, यस और नो, अपॉन 2a, ठीक है? तो अल्टीमेट रूट्स विल बी इक्वल टू 5 प्लस माइनस अंडर द रूट क्या आया हमारे पास 25, 64 अपॉन 2, यस That will be under root 89 by 2, है ना? अब एक बात बताओ, x की वैल्यू, x क्या आया यहाँ से, या तो होगा ये, और x will be equal to 5 minus under root 89 by 2, यहाँ पे x क्या है less than minus 2 है, तो negative होगा ना इस वाले term में, yes or no? Yes ma'am. Yes ma'am. तो अब अगर हम 5 प्लस रूट 89 वाला लेंगे तो ये तो हमारा गलत होगा क्योंकि पॉजिटिव आ जाएगा x, तो ये वाला केस क्या हो गया, डिस्कार्डेड, ठीक है? सो यहाँ से x की वैल्यू कौन सी होगी, 5 माइनस अंडर रूट 89 बाय 2, सब चेक करो ये नेगेटिव आ रहा है ना? यस मैम नेगेटिव आ रहा है। क्लियर है ये वाला केस सबको? यस मैम। यस मैम। चलो फिर अब हम चलते हैं केस नंबर टू पे, व्हेन एक्स बिलोंग्स टू माइनस टू टू जीरो, यानी कि कौन सा रीजन, ये वाला। क्लियर है सबको? यस मैम। तो यहाँ पे मोड ऑफ एक्स तो नेगेटिव है ना, और एक्स प्लस टू इज पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव होगा ना ये? यस मैम। बाकी लोग बताओ, क्योंकि हम माइनस टू से बड़ी वैल्यू लेंगे, माइनस वन लो, माइनस वन प्लस टू क्या होगा, वन पॉजिटिव आ रहा है ना? यस मैम। ठीक है मैम। ठीक है गौरव। ठीक है मैम। ऑल सबको क्लियर? यस मैम। यस। चलो फिर अब इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। इस केस में अब हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ गई, माइनस फाइव एक्स माइनस टेन प्लस सिक्स, सो अल्टीमेट वी विल हैव माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो बना ये। इज दैट क्लियर? अब इसके तो तुम आराम से बता दोगे रूट्स, बताओ बताओ फिर
एक्स प्लस वन एक्स प्लस फोर ना. यस मैम. यस मैम. एक्स इज इक्वल टू माइनस वन माइनस फोर. अच्छा यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल लेना क्योंकि इक्वल टू जीरो है ना इंक्लूडेड है. चलो अब मेरे को ये बताओ एक्स की वैल्यू माइनस फोर क्या ये बिलोंग करेगी माइनस टू से जीरो के बीच में? यस मैम. नहीं कर रही तो ये क्या होगी रिजेक्टेड. यस मैम. सो अल्टीमेट वैल्यू विल बी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन इन दिस केस. इज दैट क्लियर? हमने एक्स प्लस टू को पॉजिटिव क्यों लिया मैम? कैन यू रिपीट दिस? क्या कह रहे हो? बोलो बोलो. ऊपर हमने x प्लस टू का मॉड जो लिया उसको हमने पॉजिटिव क्यों लिया एक बार फिर से रिपीट बता दीजिए. क्योंकि x प्लस टू जीरो x इज ग्रेटर देन माइनस टू. ठीक है अगर x इसमें बिलोंग करेगा ना तो x प्लस टू की वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव. आप पुट करके देख सकते हो कोई भी पॉइंट. ठीक है आप लास्ट स्लाइड को एक बार एक्सप्लेन कर देंगी री एक्सप्लेन से. क्या एक्सप्लेन करना है? लास्ट स्लाइड को एक्सप्लेन कर दीजिए. मेरा यहाँ से बार बार ना वाईफाई का इशू हो जाता है. एक बार मैं केस थर्ड एक्सप्लेन कर रही हूँ. एक बार केस थर्ड एक्सप्लेन कर रही हूँ उसके बाद. ठीक है ठीक. अब एक्स हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है मतलब ये थर्ड वाला रीजन. इसमें सब पॉजिटिव ना मोड ऑफ एक्स भी पॉजिटिव ये वाली टर्म भी पॉजिटिव. जल्दी से बोलो. यस मैम. पॉजिटिव है तो फिर जल्दी से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ. मैं सीधा लिख दूं? यस मैम. लाइक दिस एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस टेन प्लस सिक्स. सबकी यही बनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता दो. यस मैम. यही बन रही है. यस मैम. डिस्क्रिमिनेंट से निकालना पड़ेगा इसका. हाँ ये ना वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से निकलेगा. यहाँ पे आएगा 5 प्लस माइनस 25 प्लस 16 अपॉन 2 है ना. यस मैम. अंडर रूट 41 आ जाएगा. हाँ तो अब देखो x की फिर से वही दो वैल्यू आई. x इज इक्वल टू 5 माइनस रूट 41 बाय 2 विल बी नेगेटिव. कैलकुलेट करो जल्दी से. हमें नेगेटिव ही होगी क्योंकि रूट 36 तो 6 होता है तो 41 6 से बड़ा होगा तो ये रिजेक्टेड हो जाएगा. क्यों? क्योंकि x तो हमारा क्या है ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव है ना. तो x विल बी 5 प्लस रूट 41 बाय 2. क्लियर है सबको? यस मैम. तो अब कितने सॉल्यूशन आ गए? मैम 3. क्लियर? यस मैम. अब वो भी मुझे ये वाली स्लाइड डिस्कस करने को बोल रहा था वो देख लो. जब हम x लेस देन माइनस टू लेंगे ना तो ये टर्म भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव. ठीक है फिर कुछ नहीं किया माइनस ऑफ x लिया मोड ऑफ x की जगह और मोड ऑफ x प्लस टू की जगह माइनस साइन पुट करके क्वाड्रेटिक सोल्व करिए. ठीक है क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम. बता दो अब सब जाग रहे हो ना कोई सो तो नहीं गया कि भाई बहुत लंबा. क्लियर है सबको मोड वालों में जिसको दिक्कत थी क्वेश्चंस में? यस मैम. मैम जब फिजिक्स की क्लास रहे ना तो मैम आप अपनी क्लास पहले लगवा दिया करो. क्यों मैम? मैम ये केस फर्स्ट रिएक्शन कर दीजिए. फिजिक्स की क्लास के बाद हम खत्म हो जाते हैं. ओ अच्छा. हाँ जी वैष्णवी बोलो. मैम केस फर्स्ट है ना ये. हाँ आप मेरे को थोड़ा सा इसका जो रूट्स निकालते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से यहाँ से आप थोड़ा रिपीट कर दीजिए. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से ये रूट्स आ गए यहाँ तक. क्लियर है? यस मैम. तो ये देखो अगर हम 5 प्लस रूट 89 बाय 2 लेंगे ना ये पॉजिटिव आएगा लेकिन हम केस क्या ले रहे हैं एक्स हमारा किससे छोटा है माइनस 2 से मतलब नेगेटिव है ना तो इसलिए वो वाली वैल्यू क्या हो गई डिस्कार्डेड. ठीक है दूसरी वाली एक्सेप्टेबल. इज दैट क्लियर? यस. चलो आगे चले. जिस जिसको क्लियर है जल्दी से थम्स अप करो फिर हम आगे चलते हैं.
मैम सेकंड स्लाइड लगाइएगा। चलो सबको क्लियर है। अब हमारे पास कॉन्सेप्ट, अच्छा ये हो गया सबका, कर दूं ना आगे अब? यस मैम। चलो नाउ अब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो पढ़ ली, अब उसमें मैं बेसिक बेसिक क्वेश्चंस ज्यादा नहीं कराऊंगी क्योंकि रूट्स फाइंड आउट करने वाले तो यू कैन डू बाय योरसेल्फ, है ना? कर लोगे ना? नहीं तो जिसको भी दिक्कत है मेरे को भेज देना, जिसको भी रूट्स निकालने में दिक्कत है, ठीक है? चलो अब हमारा जो टॉपिक आता है दैट इज इक्वेशंस रिड्यूसिबल और कन्वर्टिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पे देखो दिस इज एक्स रेज टू द पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6, क्या करेंगे हम बताओ 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 x square को डिवाइड कर दो मैम, वी x square as a other t consider। हाँ हम पुट कर देंगे x square is equal to t, ठीक है? तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, लेट अस से दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या बन गई, दैट इज t square minus 5t plus 6, यस और नो बोलो? यस मैम। तो अब इसके रूट्स क्या आएंगे, यहां तक किसी को दिक्कत? नो मैम। नो मैम। तो t की कितनी वैल्यूज आ गई, 2 और 3, है ना? यस मैम। तो t किसके इक्वल था, x स्क्वायर के ना? तो x स्क्वायर अगर 2 है देन x विल बी इक्वल टू प्लस माइनस रूट टू, और अगर x स्क्वायर हमारा 3 है तो x विल बी इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 3। तो x की कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यू है, रूट टू माइनस रूट टू रूट थ्री माइनस रूट थ्री, कितने सोल्यूशन आए इसके, 4। पावर कितनी थी, 4। क्लियर सबको? Yes, ma'am. सबको क्लियर है ना, फिर क्वेश्चन दू? Yes, ma'am. चलो इतना लो, यस मैम दे ही दो, चलो कर ही देंगे हम। ऐसे इतना लो साउंड करते हो जैसे तो पता नहीं बहुत जबरदस्ती बिठाया हो तुम्हें किसी ने, क्लास एहसान कर रहे हैं। हाँ एहसान कर रहे हो मैम, आप करवाते बड़ा नॉर्मल सा हो फिर आप एकदम से बड़ा भयंकर सा क्वेश्चन ले आते हो, वो ऐसे होता है ना कहानी में ट्विस्ट, मूवी देखते हो ना सब, ट्विस्टिंग थोड़ी सी अच्छी लगती है ना मूवी, अब ऐसी बोरिंग सी चलती रहे तो किसको मजा आता है देखने में, है ना? चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करो, सब्स्टिट्यूशन लगाना है, सोचो किसको टी पुट करें, कैसे सॉल्व करें। मैम एक बार लास्ट स्लाइड का थोड़ा पार्ट समझाओगे? हाँ जी बोलो मैम, ये x स्क्वायर इक्वल टू 2 और x स्क्वायर इक्वल टू 3 के बाद क्या कह रहा है? x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 है ना, तो स्क्वायर रूट लिया, x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2, जब स्क्वायर हटता है तो लाइकवाइज फॉर 3 आल्सो। ठीक है ठीक है, चलो Now solve this. Try करो।
मैं कराऊं या हो रहा है तुम लोगों से? हम कर रहे हैं। मैं ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहली बार देखी है। तभी तो 11th में हो, नहीं तो 10th में ही ना रह जाते। यस मैम। अब मैं ले आती वही, फिर बेसिक से हम रूट ही फाइंड आउट करते, फिर कोई फायदा ही नहीं था ना। वो तो तुम कितने क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो, आई थिंक 10th में तुमने कर दिए होंगे एनसीईआरटी आरडी शर्मा सब। यस मैम। मैम 10th में तो बहुत क्वेश्चंस किए थे। अरीबा, पीरबख्श, अब्दुल्ला, अभिषेक, आदित्य, एंजल, अंशिका, अक्षत, आयुष, ए ए वाले रिप्लाई करो। मैम 25% फॉर ऑल ऑप्शंस। 25% फॉर ऑल ऑप्शंस। मैं समझी नहीं क्या बोल रहे हो आप। मार्क्स नहीं, माइनस वन। चलो करते हैं भाई, बहुत देर लगा दी तुम लोगों ने। पर मैं कर लेंगे तो हो जाएगा क्या? चलो देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। अब हमारे पास इक्वेशन क्या है, नॉट क्वाड्रेटिक, हमारे पास इक्वेशन क्या है, 3 × 2 एक्स रेज टू द पावर एक्स प्लस 3, यही है ना? यस मैम। 4 × x को हम 2 × 2x लिख सकते हैं, यस और नो? यस मैम। मल्टीप्लाई पॉइंट समझ आ रहा था, यस और नो? मैम लग रहा था कि पॉइंट है ये 3.2। नहीं, मैं पूछा क्यों नहीं, दिस इज 3, दिस इज 8। मैम वो मल्टीप्लाई का साइन है। मैम ये पॉइंट नहीं है। नहीं मैम, ये डेसिमल अपने लग रहा था। चलो फिर अब मैम ये धोखा हुआ है। कोई बात नहीं। यस मैम। अब करो ये लो, मैंने बना दी ये इक्वेशन। चलो करो। अब होगा? यस मैम। यस मैम हो जाएगा। ये तो मैंने चीटिंग कराई है तुम्हें। मैम बस रूट बता दो, अब इक्वेशन बन गई। इक्वेशन बन गई? इक्वेशन तो मैंने ही बना दी। चलो करते हैं सोल्व। देखो अब हम क्या करेंगे, हम पुट करेंगे टू रेज टू दी पावर एक्स को टी। सबने यही किया? यस मैम। तो वन विल बी कैसे बन जाएगी फर्स्ट इक्वेशन, दैट इज टी स्क्वायर माइनस 24t प्लस 128, यस और नो? यस मैम। तो अब इसके रूट्स निकालो, टी इज इक्वल टू 24 प्लस माइनस 24 स्क्वायर इज 576 एंड इफ वी मल्टीप्लाई 128 बाय 4 क्या आएगा हमारा आंसर? आई थिंक इज 512 मे बी। 512 आ रहा है ना? बोलो यस मैम वालो। मल्टीप्लाई नहीं किया क्या किसी ने? मैम मिडल टर्म स्प्लिटिंग से करा है। यस मिडल टर्म स्प्लिट से करा है। यस मैम। चलो कोई नहीं, मैं तो इससे करूंगी ना, मेरा तो आ रहा है ये।
सो अल्टीमेट इट विल बी एक बार 32 बाय 2 और दूसरा 16 बाय 2 है ना, 16 और 8 यही आए आपके रूट्स? यस मैम। यस मैम। तो हमारे पास टी की वैल्यू आ गई 16 और 8, ये सबको क्लियर है? यस मैम। दिस इज 16 और 2 रेज टू द पावर एक्स इज 8। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बताओ? यस मैम। एक्स की वैल्यू 4 और एक्स की वैल्यू 3 आ गए रूट्स? यस मैम। सो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है सबको? मैम यस मैम। ठीक है, एक बार क्लियर कर दीजिए। क्या कर दूं मैम? 3.2 क्या था ये? ये 3 मल्टीप्लाई बाय 2 था। फिर मैम इसको क्या करा हमने? हमने इसको एक्सपेंड किया, 2 रेज टू द पावर x + 3 थी ना, तो a रेज टू द पावर m + n क्या होता है? a रेज टू द पावर m * a रेज टू द पावर n है ना, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स फिजिक। तो मैंने वही सिंपलीफाई किया, 2 रेज टू द पावर x + 3 को स्प्लिट कर दिया। हम समझ गया मैम, इसमें थोड़ी सी गलती हो, बाकी तो समझ आ गया मैम। हाँ जी, जेई में ऑडियंस कॉल होता है? नहीं। तुम्हें कितनी कोशिश करेगा जोक मारने की? सही बात, कोई बात नहीं दिव्या, जिसको डाउट था वो पूछ सकता था कि मैम ये डेसिमल में दे रहे हो आप। तो फिर पूछ लिया करो ना मैम, इसीलिए तो मैं कह रहा पहली बार देखिए सिक्योरिटी क्वेश्चन। यस मैम, पॉइंट सही। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता रहता है। चलो आगे चलें, जिसको क्लियर है थम्स अप करो, फिर चलते हैं आगे, जिसको कोई डाउट है पूछो। मैम अगर इस तरीके से अगर जे में क्वेश्चन है तो हमें कैसे पता चलेगा कि पॉइंट है मल्टीप्लाई है? उस टाइम तो भाई आपको ही दिमाग लगाना पड़ेगा, ऑब्वियस है कि अगर वहां पे टाइपिंग मिस्टेक हुई पॉइंट निकला, फिर आप अगर सॉल्व करोगे तो आपको ऑप्शंस मिल ही जाएंगे, नहीं मिले तो हां कहीं ना कहीं फिर दिक्कत है। मैम ये तो दो बार ठीक है ना, एक बार मल्टीप्लाई एक बार पॉइंट मान के देखो। पॉइंट का तो अब आपको क्लियर है ना कि भाई यहाँ पे तो नहीं था, ये मल्टीप्लिकेशन में था है ना। जब आप जे के क्वेश्चन करने बैठते हो ना, वो क्लियरली मेंशन करते हैं हर एक चीज, ठीक है, वहां पे आपको नहीं आएगा डाउट। इनकेस अगर आया भी तो आपको कहीं ना कहीं वो दिक्कत आ ही जाएगी। आप ऑप्शंस सबसे पहले जब भी क्वेश्चन आता है ना, ऑप्शंस पे जाया करो और ये देखा करो कि क्या चीज कॉमन है, क्या निकाल सकते हैं। जैसे 2 रेज टू द पावर एक्स दोनों टर्म्स में कॉमन था, ठीक है, किसी ने भी ये नहीं सोचा कि भाई इसको स्प्लिट करे और देखे, पूछ ले कि मैम ये क्या है, 3 आगे है, 3 पॉइंट कुछ है, वो तुम्हें प्रैक्टिस से ही आएगी चीजें। तुम क्लास जल्दी कराओ फिर सोना है। अच्छा मैम स्कूल ओपन हो गए ना। चलो फिर, चलो ये वाला क्वेश्चन बताओ, करो सोना, तुम नहीं करने हैं, मैंने क्वाड्रेटिक तुमने तो पढ़ के आए हो भाई, तुम सारे सब अच्छे अच्छे नंबर से आए, क्लियर करके आए हो टेंथ। ये वाला क्वेश्चन मैं कराती हूँ बिकॉज इट्स अ लेंथी वन और आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने ना थोड़े अलग अलग टाइप के ही क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो ना तो क्या करो, ये जो एक्सट्रीम टर्म्स है ना, ये एंड वाली, आवाज आ रही है सबको? यस मैम। यस मैम। तो पहले इनको मल्टीप्लाई करो फिर इनको मल्टीप्लाई करो, क्योंकि हम इसके रूट्स इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, वैसे तो इसके भी कर सकते हैं।
बट सबसे पहले एक्सट्रीम टर्म्स पे जाया करो. इस केस में देखो x माइनस वन मल्टीप्लाई बाय x माइनस फोर, x माइनस टू मल्टीप्लाई बाय x माइनस थ्री इज इक्वल टू थ्री. यहां से हमारे पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी. पहले इसको मल्टीप्लाई करो, क्या बने जल्दी से बताओ. माइनस फाइव एक्स प्लस फोर है ना, यस और नो बोलो. यस मैम. यहाँ पे क्या बन रही है, माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू थ्री. ये क्लियर है सबको? यस मैम. अब इधर सब्स्टिट्यूशन क्या है? देखो यहाँ पे ये दोनों चीजें कॉमन आ रही है ना, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स. अगर हम इसको पुट कर दे इज इक्वल टू टी, ठीक है, तो एक्स देन एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फोर प्लस टू विल बी इक्वल टू टी प्लस टू. यस और नो? यस मैम. तो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स विल बी इक्वल टू टी प्लस टू. ये क्लियर है सबको? मैम ये देन के बाद वाला पॉइंट दोबारा समझा दो. देखो अगर हम इसको टी मान लें, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फोर, दोनों साइड दो दो ऐड किया मैंने, ठीक है, दो ऐड करने पे लेफ्ट हैंड साइड वाली जो मेरी टर्म है वो बनी ये और राइट हैंड साइड वाली बनी ये. क्लियर? तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बन गई, फर्स्ट वाली को तो हमने टी मान लिया था, दूसरी क्या आई, टी प्लस टू है ना. बोलो. यस. तो अल्टीमेट दिस विल बी द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ रूट्स. बताओ मुझे जल्दी से. माइनस थ्री और वन, थ्री कॉमा वन. दिस इज टी स्क्वायर प्लस थ्री टी माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो. सो अल्टीमेट वी विल हैव टी प्लस थ्री टी माइनस वन. सो टी इज इक्वल टू माइनस थ्री और वन. टी किसको माना था हमने, ये दिख रहा है सबको? Yes, ma'am. So, x square minus, चलो मैं अगली स्लाइड पे लिखती हूँ, एक सेकेंड दो. अब यहां से हमारे पास t क्या आया, थ्री और माइनस थ्री और वन है ना, ये आया था ना. तो हमने t माना था x square minus 5x plus 4, that is 3, and x ये माइनस थ्री था. एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू वन. ये क्लियर सबको? टी की जगह पुट किया है. बोलो. यस मैम. तो एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फोर प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो और एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फोर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो. इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. तो हमारे पास ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी. अब मुझे रूट्स बताओ जल्दी से, लेफ्ट हैंड साइड वाले के और राइट हैंड साइड. मैम लेफ्ट हैंड साइड की तो क्या कहते हैं उसको, नेगेटिव हो जाएगी. ये नेगेटिव आ रही है ना टर्म, तो नो रियल रूट्स है ना. यस मैम. और इधर राइट वाले के 5 प्लस माइनस रूट 13 अपॉन 2 आएगा. दिस इज यस राइट. सबका यही आया? यस मैम. यस मैम. तो दो तो आए रियल रूट्स, टू रियल रूट्स आए और दो क्या आए, इमेजिनरी रूट्स है ना. तो yes, हमें क्या फाइंड आउट करने थे, नंबर ऑफ कौन से रूट्स, रियल रूट्स. आए क्या हमारे पास कितने, दो. इज दैट क्लियर? यस मैम. यस मैम. यस मैम. सेकंड वाली क्वेश्चन में लेकिन जो टी प्लस टू करा था. हाँ जी मैम. हाँ जी. हाँ जी बोलो. मैम
समझ गया। और आदित्य ये रियल रूट्स की स्पेलिंग क्या लिख रहे हो आप? रियल की स्पेलिंग ये होती है। यस अब करेक्शन थी यहाँ पे। यस धनंजय बोलो। मैम एक और बार समझा दो। यहाँ पे जब भी इस टाइप की इक्वेशन होती है ना तो हमें कुछ ना कुछ कॉमन निकालना होता है ना फॉर सब्स्टिट्यूशन। अब अगर इक्वल टू जीरो होता फिर तो हमें कुछ भी करने की नीड नहीं थी। यहाँ पे इक्वल टू में राइट हैंड साइड में क्या दे रखा है? थ्री इक्वेशन के, है ना। तो अब हमें कुछ ना कुछ ऐसा कॉमन निकालना होगा कि भाई हमें सब्स्टिट्यूट करे और हमें आंसर मिले। हमने क्या किया, जो एक्सट्रीम टर्म थी दैट इज x माइनस वन और x माइनस फोर को मल्टीप्लाई किया, x माइनस फोर x माइनस थ्री को मल्टीप्लाई किया, फिर हमने सब्स्टिट्यूट किया क्योंकि वहां पे हमें कॉमन मिल रहा था कुछ ना कुछ। इज दैट क्लियर? यस मैम। तो वहां से हमने अगर फर्स्ट वाली जैसे एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फोर को टी पुट किया, प्लस टू एड करने पर हमें दूसरी टर्म मिल गई, है ना। तो t इंटू टी प्लस टू हो गया। उसके बाद हमने कुछ नहीं किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व किया, जो t की वैल्यू थी उसको सब्स्टिट्यूट करके दो इक्वेशन बनी एंड देन वी विल सॉल्व इट। इज दैट क्लियर मैम? यस गौरव। मैम हमें हमेशा वो कॉमन मिलेगा दोनों इक्वेशन में कुछ ना कुछ। हाँ अगर आपको इस टाइप की इक्वेशन मिलेगी ना तो आपको ऐसे दो, वैसे मोस्ट प्रोबेबल यही होगा कि आपको एक्सट्रीम टर्म्स को ही मल्टीप्लाई करना चाहिए। अदरवाइज आपको कुछ ना कुछ कॉमन ऐसा ढूंढना पड़ेगा कि भाई एक को सब्स्टिट्यूट करें जिसमें कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट करके दूसरी टर्म आ जाए, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन ही आएंगे जेई में। ये एक्सपेक्ट मत करना कि बहुत ईजी सा दे देगा वो कि इक्वल टू जीरो। अगर वो ये दे देता ना एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, फिर कितने कौन कौन से रूट्स होते हैं? फिर तो वन टू थ्री फोर सीधा, है ना। हम चले जाते वही बेसिक वाले में, है ना। yes, ma'am. चलो चले आगे। yes, ma'am. Yes, ग्रीन वाला समझ नहीं आया। ग्रीन वाला कहाँ से समझ नहीं आया बोलो मैम? जहाँ से आपने स्टार्ट करा है, वन में मैंने पुट की इक्वेशन, एक फर्स्ट टर्म को टी माना, दूसरी टी प्लस टू हो गई दोनों साइड दो ऐड करने पे, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करिए, रूट्स निकालने हैं फिर तो। मैम इसके बाद नेक्स्ट पेज पे क्या करा था? टी की वैल्यू माइनस थ्री और वन आई ना। yes, तो हमने टी किसको पुट किया था? एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फोर को, है ना। yes, मैम ठीक है। एक बार माइनस थ्री एक बार वन, दो केसेस हो गए ना। क्लियर? चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो प्रीवियस ईयर का। यस अंशिका, बोर हो रही हो गया तुम? नो मैम। फिर मैम पूछ रही थी। फिजिक्स का लेक्चर हेक्टिक हो गया क्या? ज्यादा कुछ करा दिया क्या सर ने? डेली होता है वो तो। क्यों मैम? फिजिक्स का जलवा। हाँ मैम सर ना कभी कभार ना एकदम से पॉज हो जाते हैं, फिर एंड में 2x की स्पीड पर चल जाते हैं। अच्छा अब कुछ बोल, आप सब बोल रहे थे कि लैग कर रहा है सर। मैं शायद लगते उस दिन एक सेकंड, आप कुछ आप वो बोले थे कि लैग कर रहा है बहुत ज्यादा, अब तो कुछ ऐसा इशू नहीं है ना किसी को भी? मैम होता तो अब भी है मैम, वीडियो नहीं दिखाई देती मैम, पर पहले से कम है, पर
अभी भी मैम स्क्रीन भी विजिबल नहीं है, मतलब होती नहीं है। अच्छा ये वाली स्क्रीन विजिबल है सबको? यस मैम। फिर आप आंसर क्यों नहीं कर रहे हो? आठ सत्व का आया है आंसर, नो सॉल्यूशन। यस आदित्य, जीरो सॉल्यूशंस, जीरो सॉल्यूशन। माइक ऑन, माइक ऑन कर रहा था। ओके आदित्य एंड आठ सत्व सेइंग जीरो सॉल्यूशन, विकास आल्सो सेइंग जीरो। सबने चीटिंग करके कराई है। चलो टी किसको माना है? ओके टी किसको माना है यहाँ पे? विकास आप बताओ। विकास वंशिका कौन बताएगा? मैम एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। यस मैम। मैं मजाक कर रही थी भाई, चीटिंग वाला कोई वो ले लेगी। नहीं नहीं ऐसा नहीं है कुछ भी, इट वाज जस्ट अ जोक। चलो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे देखो, चलो ये देखो सबको ये वाली आइडेंटिटी। अच्छा हमारे पास इक्वेशन क्या है सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं, दैट इज 3 × x² + 1/x² माइनस 2 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 1/x + 5 है ना। अब सब अगर हम पुट करें एक्स प्लस 1/x को टी है ना, तो एक्स प्लस 1/x का स्क्वायर करने पे हमें क्या मिलेगा? टी स्क्वायर। यस और नो? यस बोलो। यहाँ पे 2 आ जाएगा ना, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या आई? दैट इज t स्क्वायर माइनस 2। इज दैट क्लियर? यस मैम। तो ये इक्वेशन क्या बन गई? 3, इसकी वैल्यू क्या आई थी? t स्क्वायर माइनस 2 माइनस 2t प्लस 5। क्लियर है सबको? यस मैम। ये हमने क्या किया? सब्स्टिट्यूशन। दो ही लोग यस मैम बोल रहे हैं, बाकी लोग सो गए क्या? यस मैम। सबकी यही इक्वेशन आई? यस मैम। यस मैम। तो रूट्स क्या आए यहाँ पे? हम टी की वैल्यू 1 और माइनस 1/3 आई, दैट इज टी माइनस 1 प्लस 1 टी माइनस 1। तो t की वैल्यू क्या आ गई? माइनस 1/3 और 1। ये सबको क्लियर है? रूट से निकाल ले हैं ये तो, है ना? यस मैम। ठीक है, अब हमने t किसको माना था? दैट इज x प्लस 1/x इज इक्वल टू क्या? माइनस 1/3 और x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1। यही आया सबका? यस मैम। दिस इज 3x² प्लस 3 और ये वाली टर्म क्या आ जाएगी? प्लस 3x, नहीं प्लस x, प्लस x ओनली। हाँ जी प्लस x इज इक्वल टू 0 है ना, और यहाँ पे क्या आएगा? x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यही बनी है सबकी इक्वेशंस। मैम एक बार ये दोबारा एक्सप्लेन कर देना। करती हूँ, सबकी इक्वेशन यही बनी है ना। देखो यहाँ पे क्या किया हमने, जो ये टर्म थी ना x प्लस 1/x इसको माना t, ठीक है, इसका दोनों साइड स्क्वेयरिंग करी तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ab, x इंटू 1/x इज 1, तो यहाँ पे ओनली 2 है ना। क्लियर है ये? यस मैम। इज इक्वल टू t स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आ गई? इसको ले गए हम इधर, ठीक है। अब जो जो इक्वेशन जो जो भी हमने पुट की थी वो हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व किया, ये रूट्स आए, ठीक है। तो
टी हमारे पास क्या था, एक्स प्लस वन बाय एक्स, एक बार रखा माइनस वन बाय थ्री के इक्वल, एक बार रखा वन के इक्वल, तो यहां से एक्स के रूट्स क्या आए, क्या वैल्यू आ गई एक्स की यहां से बताओ, नो रियल रूट्स ना, इमेजिनरी था, नो रियल रूट्स इन दिस केस, इस केस में इसमें भी नो रियल रूट्स, रियल रूट्स हाँ, वन प्लस माइनस ये आएगा, दैट इज रूट थ्री आयोटा, अगर आपने वो पढ़ लिया कॉम्प्लेक्स नंबर, तो नहीं पढ़ा तो एक बार यहीं छोड़ते हैं, ये क्लियर है सबको? Yes, ma'am. और हमें क्या फाइंड आउट करने थे, रियल रूट्स, रियल सॉल्यूशन, तो नो रियल सॉल्यूशन ना, तो जीरो विल बी द करेक्ट आंसर, इज दैट क्लियर? यस मैम. ऑल क्लियर सबको? आज हमने बहुत बेसिक सा डिस्कशन रखा था, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन, जहां पे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखी, उसके मेथड्स क्या क्या पढ़ लिया हमने, लेट्स समराइज करते हैं इसको. अच्छा, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ये आपको घर से करके आना है, ठीक है, कर लोगे सब? मैम यस सर. मैम लेक्चर का पीडीएफ आप अभी भेज देना. ओके चलो जल्दी से हम समराइज करते हैं, हमने आज क्या क्या पढ़ा है, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखती कैसी है, जो आपने देख ही ली थी खैर टेंथ में भी, मेथड्स कितने थे इसके, तीन है ना, वन थर्ड वाला समझा देना एक बार. हाँ हाँ समझा देंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर, ठीक है. इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, एक चीज ही और पढ़ी है, दो चीज, एक तो रूट्स और मैम कन्वर्ट करना वो टी वाला. यस और कन्वर्जन, क्लियर है सबको? यस मैम. ऑल क्लियर, सब सो गए हो मुझे तो लगता है भाई. कैसी लगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इलेवेंथ वाली, टेंथ वाली तो चलो कर रहा है तुम लोग. कोई बात नहीं, ग्रो अप. चलो अब हम मिलते हैं कल, कल क्लास है ना आप लोगों की, 250 ग्राम ट्विस्टिंग है, अभी तो ये शुरुआत है आदित्य, ठीक है, तो कल मिलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है. होमवर्क वाला क्वेश्चन जरूर करके आना, अभी मैंने उस पे दो क्वेश्चन करा दिए हैं, इसलिए मैंने तुम्हें वो होमवर्क के लिए दिया. आई नो इट वाज अ प्रीवियस, मैं एक बार दोबारा दिखा दो, यहीं कर दूंगा अभी, बाद में भूल जाता हूं मैं. हां हां कर लो, ठीक है, तो कर लेना अभी, 5-10 मिनट लगा के कर लेना भाई, जो सोने लगे हैं अभी मत सो, पहले 5-10 मिनट ये क्वेश्चन सॉल्व करो फिर सो जाना, ठीक है, अदरवाइज जो भी करना है, क्योंकि अभी दो क्वेश्चन किए तो तुम्हें याद भी होगा ना कि क्यों कौन कैसे किए थे, कैसे केस बनाए थे, ठीक है. चलो कल मिलते हैं गाइस, बाय बाय, गुड नाइट.